दोस्तों, अंग्रेजी सीखना आसान है अगर आप चाहें तो। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मास स्टडी पर कई लोगों ने अपने इस सपने को साकार किया है, अंग्रेजी सीखने की कोशिश की और उसे सीख कर दिखाया है। दोस्तों, आप सबको पता है कि कुछ लोग और भी अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास अधूरा है आपके बिना, आपके एक वोट के बिना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन की, जिसमें कई स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, दिन दिन भर मेहनत करके वीडियोस बनाए हैं और हमें पहुँचा है। लेकिन अगर आपने अभी तक उन्हें वोट नहीं किया है तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाएँ मास स्टडी फैन क्लब पर, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है। पार्ट वन और पार्ट टू दोनों पार्ट्स को देखें और पार्ट वन और पार्ट टू को देखने के बाद जो स्टूडेंट सबसे अच्छा बोल रहा है उसको वोट दे, उसका नाम कमेंट में लिखें और उसे उसका हक दिलवाने में हेल्प करें ताकि वो विनर हो और सही विनर को हम बहुत सारे प्राइजेस दिला पाएं। दोस्तों, यू नो वॉट, इसलिए आपको वहाँ पर वोट देना चाहिए क्योंकि जो स्टूडेंट्स वीडियो बनाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, वो इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है कि एक वीडियो को शूट करने में बहुत मेहनत लगती है, कई अटेम्प्ट्स लगते हैं, एक बार में कई बार चीज़ें फाइनल नहीं हो पाती है। स्टूडेंट्स हमें फ़ोन लगा के बोलते हैं कि सर, आपके कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन एक बार में कई बार जो भी चीज़ें सही नहीं हो पाती। इसलिए स्टूडेंट्स दिन भर कंटेंट को रेडी करता है, रेडी करने के बाद कैमरे को अपने हाथ में पकड़ता है या किसी को होल्ड करने को बोलता है और फिर अपने कंटेंट को कैमरे के सामने बोलना, दोस्तों वास्तव में बहुत इजी नहीं है। हम खुद अगर अपने आप से मिरर में बात करें तो एक टॉपिक पर, वो भी अंग्रेजी में, हमसे नहीं हो पाता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स कैमरे के सामने दिन भर मेहनत करके इंग्लिश स्पीकिंग कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए बार बार ट्राई करते हैं और जैसा भी वीडियो बन पाता है बनाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उन्हें वोट नहीं दे पाते जो उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसलिए स्पेशली आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाएं, नीचे दोनों पार्ट, पार्ट वन पार्ट टू दो बार हमने वीडियो पब्लिश किए क्योंकि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा थे, दोनों बार सारे वीडियोस को एक बार अच्छे से देखें और उनको आपका एक वोट, अगर आप ज्यादा वोट नहीं कर सकते हैं तो मास स्टडी फैन क्लब पर अभी चले जाइए और एक वोट दे दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, शायद आपके एक वोट से उनको विनिंग हो जाए। दो तो जीतना, जीतने पर उन्हें एक बुक मिलेगी जो कि बुक बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 200-400 की बुक होती है, लेकिन बुक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका हौसला। जब वो स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जब उनके पेरेंट्स को पता चलेगा, जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद उन्होंने इंडिया लेवल पर जो है एक बुक को जीता है, दे विल फील वेरी हैप्पी दोस्तों। और ये हैप्पीनेस उनसे कोई छीन नहीं सकता है उनके लाइफ लॉन्ग के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इसलिए पार्टिसिपेट अगर किया है तो आपको उन्हें ज़रूर वोट देना चाहिए। इसलिए अभी भी आप जाइए, इट विल टेक 2 मिनट्स, आपके 2 मिनट निकालिए, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, मास स्टडी फैन क्लब पर चले जाइए, वहाँ पर वीडियोस डाले हुए हैं, उनको वोट करिए, सब्सक्राइब करना उसको बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि वहाँ पर हम पूरे साल महीने में 2 बार हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कॉम्पिटिशन करवाते हैं वहाँ पर और बहुत सारे बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं ताकि वो भी पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें अंग्रेजी बोलने की। और अगर आपको लगे तो आप भी इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब पर आएँ, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर आप अपनी अंग्रेजी को चेक कर पाएँ, अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर पाएँ, तो वो फैसला, वो जो प्लेटफॉर्म है मास स्टडी फैन क्लब, वो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर आप चले जाएं। वहाँ पर महीने में 2 बार कंपटीशन होगा दोस्तों। ये कंपटीशन हमने 10th of October को करवाया था, जिसका रिजल्ट जो है वो कल आने वाला है, मतलब 13 अक्टूबर को आने वाला है शाम को 6 बजे, और इसके बाद हम लोग लगभग 25 अक्टूबर के आसपास एक और कंपटीशन करवाएंगे। हर महीने 2 कंपटीशंस होंगे, आप भी पार्टिसिपेट करें और आपके फ्रेंड्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बात तो आपको समझनी चाहिए दोस्तों कि अंग्रेजी आसान है, अंग्रेजी आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। चाहने तो हम सब चाहते हैं, यू नो, चाहते तो सब है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स हम कम लगाते हैं। अगर आज से हम एफर्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे तो आई थिंक, मेरा ऐसा मानना है कि आज नहीं तो कल थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, और जो हार नहीं मानता है, जो लगा रहता है किसी चीज़ के पीछे, उसको वो चीज़ हासिल ज़रूर होती है। तो अभी जाइए, दोनों पार्ट पर जो है
डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों पार्ट्स की, बच्चों को मोटिवेट करिए, उनको वोट करिए और फिर हम जो है 13 अक्टूबर को इवनिंग में उनको उनके नाम घोषित करेंगे जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, और उन बच्चों को टॉप 5 बच्चों को बहुत कुछ मिलने वाला है और साथ में आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, आपका प्यार मिल जाएगा, तो दे विल बी मोर हैप्पी। तो इतना ही मुझे बताना था, इसलिए प्लीज़ गो एंड वोट। एंड वो सारे बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो भी अपने दोस्तों से जितना वोट करवाना चाहते दोस्तों करवा लीजिए, एक बार डिक्लेयर हो गया उसके बाद आपका वोट किसी काम का नहीं है, इसलिए आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको वोट करवाएं और सही विनर को चुनने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि विनिंग पूरा का पूरा वोट सिस्टम पर बेस्ड होगा। तो चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, उन मेहनती बच्चों के लिए, उन बहुत ही अच्छे बच्चों के लिए आप वोट करेंगे और वोट करने के बाद हमें बताएंगे कि हमने वोट किया है। तो कमेंट में लिखिए, जो लोग भी वोट करने वाले हैं, जो लोग वोट कर चुके हैं, प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि सर आई हैव वोटेड, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं आपकी कमेंट को ज़रूर लाइक करूँगा। थैंक यू सो मच।